हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग पिरामिडियन बेसिस के नाम याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका जानेंगे, ठीक है। एज वी नो कि जो प्यूरीन की रिंग होती है वो 9 कार्बन की होती है और जो पिरामिडियन की रिंग होती है ये 6 कार्बन की होती है। तो 9 कार्बन की जो रिंग होती है वो कुछ इस तरह का बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर में से अगर हम ये छोटी वाली 3 कार्बन की रिंग काट के अलग कर देते हैं तो जो बड़ी 6 कार्बन की रिंग बच जाती है ये क्या होती है, पिरामिडीन की रिंग होती है, ठीक है। सो द की वर्ड हेयर इज़ कट, CUT, कट। दैट इज़ कि अगर हम प्यूरीन की रिंग में से एक छोटी वाली रिंग को कट करके अलग कर दें तो जो बच जाएगी वो पिरामिडीन की रिंग है, और इस कट वर्ड से हम तीनों पिरामिडीन बेस के नाम याद कर सकते हैं, दैट इज़ C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरेसिल एंड T फॉर थायमिन। थैंक यू।